हेलो फ्रेंड्स, रेसलिंग जॉय में आप लोगों का स्वागत है। सालों बाद मिस्ट लाइव इवेंट में रेसल करने वाले हैं। रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकइंटायर के साथ डे वन में ब्रॉक और रोमन में से विनर का मैच एडवर्टाइज कर दिया है। डे वन में जीतेगा कौन, ब्रॉक या फिर रोमन रेंस, ये क्वेश्चन और ज्यादा उलझ गया है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, डब्ल्यूडब्ल्यूई डे वन में लेसनर को एज अ न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनाने की तैयारी कर रहा है। 2018 में ब्रॉक लेसनर लाइव इवेंट में रेसल किए थे। लंबे समय बाद वो तीन सुपर शो के लिए एडवर्टाइज लिस्ट में आए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट के साथ ही लाइव इवेंट में उतारेगा। ऐसे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डे वन में बीस्ट ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के शेयर कहलाएंगे। ऐसा हो जाए तो ब्रॉक ड्रू मैकइंटायर से रेसलमेनिया का बदला ले पाएंगे। ट्राइबल चीफ लेसनर के लॉन्गेस्ट टाइटल रन के इतने पास आकर भी खाली हाथ लौट जाएंगे, फैंस को दर्द होगा। लेकिन विंस मैकमैन के पास ट्राइबल चीफ को लेकर एक बड़ी प्लानिंग भी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में रोमन रेंस रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट पे यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बने हैं। गोल्डबर्ग से रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच होते होते रह गया था। विंस मैकमैन चाहते हैं कि ट्राइबल चीफ रेसलमेनिया 38 पे बीस्ट को चैलेंज करे और कैरियर में पहली बार रेसलमेनिया में यूनिवर्सल टाइटल जीत जाए। ऐसा हो जाए तो फैंस एक बार फिर उनके ट्राइबल चीफ को स्वैग से स्वागत करने का सेलिब्रेशन मनाएंगे।